वक्त हम मौजूद हैं ओल्ड फरीदाबाद में। यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में फरीदाबाद विधानसभा में कितना विकास हो पाया है या फिर आज भी ये अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? संतोष आर्य। सर, पिछले 5 सालों में कितना विकास हो पाया है? विकास तो सामने ही है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकार डिजिटल इंडिया पर बहुत बहुत जोर देती है और उसको खुद फॉलो नहीं करती। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, BSNL का चेक दिया हुआ 1622 रुपये का, वो बाउंस हो गया, जो कि 3 महीने तक उसकी वैलिडिटी होती है एज पर RBI। अब जब वहाँ दोबारा जाता है तो अधिकारी कहते हैं 1 से 5 तक अपना तय करो, लेकिन वो नोटिस जब बाउंस होने के बाद और उसके जो पेनल्टी और कंपनसेशन बनता है, उस कंपनसेशन को लेने के लिए पहले तो वो चेक जितने का चेक है उससे ज़्यादा तो वकील रखे, वो कहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हुआ? भ्रष्टाचार आप कहेंगे भ्रष्टाचार हो रहा है लगातार हो रहा है, सामने उसका प्रूफ दिया है, ट्विटर पर डाला गया ये चीज़। कोई अधिकारियों से कभी बोला है आपने? अधिकारियों से बोला, वो कहते हैं ये तो चेक अंबाला से बन के आता है। अब अंबाला से चेक बन के क्यों आता है, उसको क्यों नहीं ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं अकाउंट के अंदर? आप सबको कहते हो डिजिटल इंडिया ऑनलाइन अकाउंट खोल रहे हैं, सबके पास आईडी है, आईडी सबने ली हुई है, आप उसको ऑनलाइन ट्रांसफर करो। मतलब आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अभी नहीं रुका है? भ्रष्टाचार तो खत्म हो सकता है जब ऑनलाइन का फैसला है, जब आप ऑनलाइन के बाद उसकी टाइम लिमिट भी दे दो कि वो कर्मचारी उसका जवाब दे, जवाब तो देता नहीं ऑनलाइन के लिए। बात की जाए कि आपके क्षेत्र में जो आपकी मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़कें, अस्पताल और शिक्षा, बिजली में भी आप ग्रीवेंसी डालिए, उसके बाद जवाब नहीं आता। आप फलाना कॉन्टेक्ट करो, आप कॉन्टेक्ट करना तो फिर ऑनलाइन का फायदा क्या होगा? अधिकारी क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्ट का मतलब क्या, व्हाट द मीन बाय कॉन्टेक्ट? जब ग्रीवेंसी रिपोर्ट डाली गई तो उसका जवाब ग्रीवेंसी पे आना चाहिए। पहली बात तो एजुकेशन, हर 90% लोग जो अनपढ़ हैं, 90% लोग अनपढ़ हैं, जो ऑनलाइन चलाने जानते हैं, ऑनलाइन की प्रक्रिया नहीं जानते, जो जानते हैं उनका जवाब नहीं आता, क्योंकि स्टाफ ही नहीं है। जब स्टाफ नहीं, जवाब कौन देगा? बात जाए शिक्षा की, बात की है, शिक्षा कैसी व्यवस्था? शिक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं, शास्त्री कॉलोनी का जो स्कूल है उसके पीछे देखिए, वहाँ पीछे देखिए, पिछले 20 सालों में वहाँ कभी तो पानी की सुविधा नहीं है, टॉयलेट की सुविधा वहाँ सरकारी जो स्कूल है बिल्कुल पीछे जाकर देख सकते हैं, उसकी एजुकेशन कैसे की, पानी की सुविधा नहीं है वहाँ पीने के लिए, पानी नहीं है। बात की जाए सड़कों की, जो लगातार सरकार की स्वच्छ भारत पर जोर दे रही है, तो यहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था है वो कैसी है आपके क्षेत्र? आप सामने देख रहे हैं सफाई कितनी गंदी पड़ी है, सफाई कितनी गंदी पड़ी है, कैमरे का थोड़ा ये देखो, कैमरे देख, सामने देखो कितनी गंदी पड़ी है, उस तरफ भी लो, पीछे लो, बिल्कुल जो पार्क है ये बिल्कुल चारों तरफ गंदगी का ढेर लगा हुआ है। उनके जो कहना है वो बिल्कुल ठीक है, दूसरे लोगों से भी जाने। आपका नाम क्या है? इसी ओल्ड फरीदाबाद से ही हुआ। रोजगार की बात की जाए तो आपके क्षेत्र में रोजगार लोगों को मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा। 450 रुपए दिहाड़ी है आजकल, 350 रुपए लूट मार मच रही है लेबर चौक पे। विधायक हैं यहाँ से विपुल गोयल, उद्योग मंत्री भी हैं, आपके जो क्षेत्र में या आपके ओल्ड फरीदाबाद में कितनी बार आए हैं? आपकी जो परेशानी आए तो बतेरी दफे है, मगर समाधान तो कुछ भी ना हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब मैंने उधार ले लेके 10,000 से 5,000 से 45,000 रुपये मैं नीचे लगाए अपने ऑपरेशन में, अभी एक ऑपरेशन और होना हो तो वो तो आप सरकारी अस्पताल में भी जा सकते थे। सरकारी में इतने बीके वाले ने सब दर्जन को जन कहाँ कहाँ इधर से उधर से बीमार आदमी कहाँ लो डूलेगा भाड़े में पैसे, टेम्पू वाले देगा, गाड़ी वाले देगा, कहाँ कहाँ परेशान होकर हर के प्राइवेट में कराना पड़ा। तो अभी मतलब बिजली पानी आ रहा है आपके क्षेत्र में? पानी ना आ रहा जी बिल्कुल, अभी तो लेनी नहीं ना बिछाई है हमारे यहाँ, तो लेनी नहीं बिछाई। फिर कैसे करते हो पानी के लिए? अभी तो सबमर्सिबल है इधर उधर से या हेडपंप से काम चला रहे हैं हम तो। भाई साहब पानी में बिल्कुल मिट्टी आ रही है, एकदम गाढ़ा आ रहा है, सुबह सुबह पानी 3 बजे साफ आता है, उसके बाद जो है ना ऐसे आ रही है बिल्कुल मिट्टी। राजा गार्डन गोपी कॉलोनी के अंदर इतना गंदा पानी आ रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम सुभाष आहूजा यानी कि जो पार्षद है वहाँ का, उसके पास गए कि पानी की समस्या को हल करो अगर वोट लेने हैं तो, नहीं तो नहीं। अच्छा, पानी बहुत ही गंदा आ रहा है। आपके जानना चाहूंगा कि आपके बच्चे भी होंगे और आपके आसपास के भी होंगे, तो पास में स्कूल है या चिकित्सा कोई नहीं है? कोई स्कूल तो सर बहुत है, पर क्या है पढ़ाई क्या हो रही है, स्कूलों में खुद नशाबाजी करते हैं, वहाँ कोई प्रशासन ऐसी है कि रोक नहीं पाती ढंग से। नशाबाजी कैसे करते हैं? अभी बहुत ऐसे नशे करते हैं, गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं। अच्छा, स्कूल के अंदर? स्कूल के सामने, स्कूल हमारे थाने रोड के पास। मैं आपको रियली बताऊँ, सरकार तो पैसे वाले की, गरीब की नहीं है, गरीब की नहीं है।
क्योंकि गरीब जो होती है, अगर आज हमारे पास 10,000 की नौकरी होगी तो हम दो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जब हमारे पास नौकरी नहीं है तो हम बच्चों को कहाँ से पढ़ाएं? बच्चे भी हमारे तय अनपढ़ बनेंगे। ये तो उनको सोचना चाहिए ना कि गरीब आदमी की तरफ भी झांक के देंगे, कोई नहीं झांकता। अगर मेरे पास 1,00,000 रुपया होगा मैं विपुल गोयल को बुलाऊंगा ना तो वो आ जाएगा, वैसे नहीं आएगा हमारे पास कि इन बच्चों को देखो ये देखो किसी को पूरे कपड़े भी है या नहीं है क्या। लेकिन लगातार सरकार तो ये कह रही है कि सबका साथ सबका विकास है, गरीब हो या अमीर हो सबका विकास होगा। आप राउंड मार के देख सकते हो कि गरीब के लिए क्या हो रहा है और पैसे वाले के लिए क्या हो रहा है, आप खुद समझ जाओगे। ये बात तो सभी जानते हैं। और ऐसी बात आपके क्षेत्र में जो सबसे जो बड़ी परेशानी बनी हुई है इस वक्त क्या है? सबसे बड़ी परेशानी सर एक तो पानी की सबसे ज्यादा, और गटर का पानी आता है 22,000, कभी कभी तो आते नहीं, पूरी रात जगना पड़ता है 5-5 बजे तक। दूसरी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा की कैसी व्यवस्था है? शिक्षा व्यवस्था ये ऐसी है हमारे, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना ये आपको बताएंगे शिक्षा के मैडम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बहुत से ऐसे होते हैं स्कूलों में, कभी देखो बच्चे एक तरफ खेल रहे बैठे हैं, मास्टर है मैडम है, ये अपने खाने पीने जाते हैं, पार्टी करते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, बच्चों को ध्यान दे रहे हैं। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों से ही जान लेते हैं, बच्चों ने कहा कि बच्चों से जान लेते हैं। क्या नाम है? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट स्कूल में। कौन सी क्लास में हो? 7th क्लास में है। तो आपको तो पता होगा कि हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि सरकारी स्कूल में किस तरीके की जो शिक्षा दी जा रही है बच्चों को राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता है। आपसे जानना चाहेंगे हम कितना विकास हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सवेरे 3 बजे पानी चलाते हैं ये लोग और 5 बजे तक पानी बंद हो जाता है। 5 बजे के बाद जो भी उठेगा उसको लेटेन जाने के लिए भी पानी नसीब नहीं होगा। पानी की बड़ी हाई समस्या हो रही है। कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं, वो कहते 3 बजे हम चला देते पानी को, 5 बजे तक भर लो। ये तो कोई तरीका नहीं है, 5 बजे कौन उठता है? आप बताओ, इसका सुधार होना चाहिए। हमने कई बार कंप्लेंट भी कर दी, सुभाष कर दी, लखन को भी कर दी, और विपुल गोयल है। हाँ, कितनी बार आपके बीच आए हैं या आप उनसे मिलने गए हो? वो हमारे बीच एक बार भी नहीं आए हैं, हम 2 बार उनके ऑफिस में गए हैं मिलने। क्या आपकी परेशानी दूर हुई? नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। क्या कहते थे? वो कहते इसको समस्या हल करवाएंगे। 2 साल से यही दिक्कत हो रही है। टाइम देते हैं आपको मिलने के लिए? हाँ, टाइम तो देते हैं, 10-15 मिनट देते हैं, वो भी कभी दिया कभी ना दिया, वापिस खाली हाथ आना पड़ता है। तो अभी आपने बोला कि पानी की समस्या तो है, साथ में रोजगार की बात की जाए, आपके क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है लोगों को? रोजगार नहीं मिल रहा लगभग। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जो विपुल गोयल हैं, जो विधायक हैं, वो उद्योग मंत्री हैं, तो उद्योग यहाँ पे स्थापित किए होंगे एक दो। देखो यहाँ रोजगार नहीं है फरीदाबाद में, यहाँ की पब्लिक जो है नोएडा गुड़गांव इधर उधर थके खा रही है, यहाँ रोजगार की कोई समस्या हल नहीं है। साथ बात की जाए पर्यावरण की, पर्यावरण मंत्री भी हैं, पर्यावरण कैसा है? पर्यावरण बिल्कुल बेकार है। अब इसी पार्क को देख लो, फरीद पार्क को 3 साल हो गए इसको बनते, इसमें गधे घोड़े बग्गी बन रही है। कभी वो बिल्डिंग बन चुकी है 1.5 साल में, लेकिन ये मतलब यहाँ सफाई व्यवस्था भी नहीं है। नहीं है तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो सरकार का जो स्वच्छ भारत अभियान है वो फेल है? फेल है, बिल्कुल बिल्कुल फेल है। मैं ये कह रहा हूँ ये पार्क को 3 साल हो चुके हैं बनते बनते, लेकिन 1.5 साल में वो बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। अच्छा, यो माहौल है 3 साल में। यहाँ पर अभी देखा मैंने कि बच्चे जो ताश भी खेलते हैं लोग यहाँ पर और सारी चीजें करते थे। जब पार्क का जो काम होता है लोग टहलने के लिए आते हैं, यहाँ पे बच्चियाँ भी आती हैं, उनका कैसा माहौल है? लड़कियों के हिसाब से मैं जानना चाहूँगा, सेफ है बच्चन का? तो माहौल ठीक है, बच्चन ने जो छोटे लड़कियाँ यहाँ पे सेफ है आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ पे लड़कियाँ भी सेफ नहीं है। कैसे देखती हैं? बेकार नजरों से देखते हैं, लेकिन जो बड़े बूढ़े हैं ताश वाश खेलने आते हैं, ये तो अपने जैसे कि अब फ्री हो चुके हैं, ये तो टाइम नहीं है उनके पास, अपने टाइम पास करने के लिए आते हैं। अच्छा अच्छा, जो पेंशनर वगैरह वो आता के लिए आते हैं, जो पैसे गलत आदमी जो गलत आदमी नहीं होता है आते हैं टाइम पास करने के लिए, वो भी गंदगी में बैठते हैं। तो आपको तो शिकायत तो करनी चाहिए क्योंकि आपने विधायक बनाया है। कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है, बेकार की बात है। बात की जाए, चलो ये तो आपके करंट में जो है विधायक है, बात की जाए पिछले जो विधायक थे कौशिक साहब, वो कभी आपके बीच में आए हो या आपकी कोई परेशानी दूर करी? यहाँ तो पार्क में आज तक कोई नहीं देखा हमने। आपके क्षेत्र में ओल्ड फरीदाबाद में तो आए होंगे? क्या बताया, कोई भी नहीं देखा हमने। राजकुमार जी, आपके क्षेत्र में हम जानना चाहेंगे कि लड़कियाँ सेफ महसूस करती हैं अपने आप? रात के ज्यादा, रात को तो नहीं आ जा सकती हैं, इतनी सेफ नहीं है, लेकिन फिलहाल तो सेफ फिलहाल सेफ है। दिन के टाइम तो
जागृत, कोई परेशानी नहीं होती है। हाँ, लेकिन रात के समय सेफ है। लेकिन लगातार अखबारों में आता है और सुनने में टीवी में लगातार जो बने हुए हैं देखते हैं कि क्राइम की खबरें बहुत आती हैं फरीदाबाद से। क्राइम क्या, अभी बल्लमगढ़ में 3 लेडीजों को गोली मार तो दी है, अभी हनुमान नगर के लेडीजों को गोली, 3 बहुत क्राइम तो ज्यादा पड़ी लगी पड़ी है। बीके में गया था है तो वहां में कोई लाइव कुछ भी नहीं, उसमें एक इंजेक्शन दे दिया, पट्टी कर दी, बस छुट्टी। प्रॉपर इलाज नहीं हुआ, गाड़ी का नंबर नहीं पता था ना मेरे को गाड़ी का नंबर नहीं पता था मेरे को पास। और वहाँ पे एक गोली भी मांगता रह गया हूँ, गोली भी नहीं दी। उधर की बात खत्म करूँ, इधर आ जाओ, इधर चोर इतने हैं, कब ऐसा सो जाओ आधे घंटे तब पैसे गायब, सब चीज गायब, कपड़े भी गायब, मतलब क्राइम बढ़ रहा है यहाँ पे। हाँ, we'll be right back.